गुड मॉर्निंग मित्रों, आज हम लोग पढ़ते हैं है ना क्लासिक पार्ट सात। क्या पढ़ते हैं? पढ़ते हैं है ना, पढ़ते पढ़ते हम यहाँ पर स्टैंडर्ड सिक्स क्या हिंदी व्याकरण विषय क्या हो जाएगा? हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण, ठीक है हिंदी व्याकरण। अब हम लोग पढ़ते हैं पार्ट, इसे क्या पढ़ते हैं हम लोग पार्ट, इसमें हम लोग पार्ट पढ़ते हैं पार्ट सात। क्या पढ़ते हैं? पार्ट सात हिंदी व्याकरण, हिंदी हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण, ठीक है। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं पार्ट सात में? प्रत्यय, ये हम लोग पढ़ते हैं प्रत्यय, ठीक है। हम लोग जैसे पढ़ते पढ़ते जैसे मान लिया पढ़ते वे शब्दार्थ जो शब्द के पीछे जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे प्रत्यय कहते हैं। उसे प्रत्यय, वे शब्दार्थ जो है ना, वे शब्दार्थ जो किसी शब्द के अंत में है ना जुड़कर उसके शब्द का परिवर्तन कर देते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए होता है चाय वाला है ना, यहाँ पर हो गया चाय वाला, चाय वाला, ठीक है चाय वाला। अब इसमें क्या होगा? वाला, ये क्या हो जाएगा? वाला, ठीक है चाय वाला है ना चाय। इसमें वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर है ना उसका अर्थ बदल देते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे प्रत्यय। आप लोग उपसर्ग बताया तो वे शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग। और प्रत्यय क्या हो गया? वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं, ठीक ना। चाय वाला जैसे दुकानदार, जैसे दुकान दुकानदार, दुकानदार, ठीक है दुकानदार, ये दार, ठीक है बच्चों। अब जैसे कहा जाएगा चित्रकार, जाएगा चित्रकार, 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 ठीक है चित्रकार। अब देखिए इसमें होता है जैसे चाय वाला, दुकानदार, चित्रकार, चित्रकार, तो प्रत्यय का परिभाषा होकर वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे प्रत्यय कहते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे चाय दुकान और चित्र के अंत में क्या लग गया है? वाला। चाय दुकान और चित्र है ना कि अंत में क्या लग गया है? वाला। क्या लग जाता है? वाला है ना। अच्छा अंत में क्या लगा? इसके अंत में क्या लगा? वाला, दार और ये का, ठीक है ये सब क्या है? ये शब्दांश लगे, ये शब्दांश लगे, ठीक है। इनके मूल शब्द के अर्थ में बदल दिया गया है, नए शब्द जैसे वाला, दार, कार, ये शब्द क्या है? ये प्रत्यय कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ये प्रत्यय कहलाता है ना। ये शब्द अंत में लगते हैं, ये सब क्या होता है? प्रत्यय। इसीलिए प्रत्यय का फिर उतारो, ये शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय, ठीक है। ये इसका मूल शब्द चाय, ये वाला क्या हो जाएगा? प्रत्यय है ना, वाला क्या हो जाएगा? प्रत्यय। जैसे चाय दुकान और चित्र के अंत में वाला दार, चाय दुकान और चित्र के अंत में क्या? वाला, दार, कार, ठीक है। ये क्या शब्दांश लगे हैं? ये शब्दांश लगे हैं, इन्होंने मूल शब्द के अर्थ को बदल दिया। जैसे चाय है तो इसमें क्या लग गया? इसका शब्दांश क्या लग गया? चाय, चाय में क्या ना? चाय वाला यानी चाय बेचने वाला, दुकानदार, दुकानदार, ठीक है दार। तो ये सब जो चाय, दुकान और चित्र में जो शब्दांश लग गए उसका क्या होता है? अर्थ बदल देते हैं है ना, बदल दिया है। और नए शब्द की रचना की है, और नए शब्द की रचना की, जैसे हम लोग यहाँ पर चाय, जैसे हम लिखते हैं चाय, चाय में क्या लगा दिया पर? वाला। चाय में क्या हो जाएगा? ये शब्दांश है ना, क्योंकि चाय वाला क्या, चाय वाला, चाय बोलने से पीने का हो गया, लेकिन चाय वाला लोग जो चाय बेचता है ना। दुकानदार, दुकान में क्या लग गया? शब्दांश लग गया क्या? दार। इसका जो क्या होता है? अर्थ बदल जाता है ना, नए शब्दों की रचना की है ना, दुकानदार, ठीक है। अब जैसे वाला, दार, कार शब्द क्या है? ये सब क्या है? वाला, दार और ये कार, ये क्या कहलाएगा? ये प्रत्यय कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? प्रत्यय है ना, ये प्रत्यय। ये शब्दों के अंत में लगते हैं, ये शब्दों के अंत में लगते हैं, ठीक ना, ये शब्दों के अंत में लगते हैं। तो इसीलिए क्या बोलते हैं? वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं।
उसे क्या कहते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें से जो अंग में लग जाता है प्रत्यय है, जैसे जैसे होता है चमकीला, चमकीला है ना, चम तो जब इसका इसका प्रत्यय क्या हो जाएगा, कीला है ना, कीला माने इसका हो जाएगा ईला, ईला क्या हो जाएगा इसका, ईला। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, ईला एमुलसर। अब देखिए इसी तरह से तो ये तो उसके अंत में जैसे बताया आपको चाय वाला है ना, चित्रकार, दुकानदार, जो आता है उसके अंत में जो शब्दांश लगता है उसे क्या कहते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ना